अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं राहत है और आप देख रहे हैं अनबॉक्सिंग एंड टॉयज। सो आज कोई भी अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं है। आपको मैं इन्फिनिक्स स्मार्ट 3 प्लस का कैमरा रिव्यू दूंगा कि इसमें जो ट्रिपल कैमराज हैं उनका क्या क्या फंक्शन है। तो जल्दी से वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूंगा, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन का बटन होगा उसे भी दबा दीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले इसका जो ये है सिंपल कैमरा, जिसे हम तस्वीर क्लिक करेंगे, ये है इसका सिंपल कैमरा। और अगर हम इसका ये वाला ब्यूटी मोड है, इसमें ब्यूटी मोड है, और उसके बाद है इसमें ये वाला मोड। इस मोड में काफ़ी अच्छा हम फोकस कर सकते हैं, पोर्ट्रेट मोड काफ़ी अच्छा है इस कैमरे का। यहाँ से हम फोकस को सेट करेंगे, जब हम फोकस बिल्कुल यहाँ 1.0 पर रखेंगे तो ये बड़ा अच्छा फोकस करेगा। इससे अभी मैं आपको तस्वीर खींच के दिखाता हूँ। ये जैसा कि मैंने तस्वीर खींची है एक, इसको हम तस्वीर को ओपन कर लेते हैं। ये है तस्वीर, और देखें कैसी कितनी अच्छी बैक ब्लर हो गई है। ये है इसका पोर्ट्रेट मोड और इसके जो तीन कैमराज हैं उनका रिजल्ट। और उसके बाद इसमें और भी ऑप्शंस हैं, ए आर शॉट जिसमें ये इफेक्ट्स हैं, उसके बाद इसके वीडियो कैमरा ये, और इसका वीडियो कैमरा भी काफ़ी अच्छा है। और उसके बाद जब भी हम जहाँ इसके कैमरे में जाएंगे तो यहाँ पे ऊपर सेटिंग्स में जाके इसको हम सेट कर सकते हैं। अभी ये 8 मेगापिक्सल पे है, यहाँ इस मोड में हर उसका 8 मेगापिक्सल में इस टाइम। इसको हम मैं 13 पे भी कर लेता हूँ, इसको 13 पे करके भी मैं इसको तस्वीरें क्लिक कर लेता हूँ। तो काफ़ी अच्छा कैमरा है, सबसे बेस्ट इसका ये वाला मोड है, पोर्ट्रेट मोड। काफ़ी अच्छी बैक ब्लर हो जाती है, तस्वीर का बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा ब्लर कर देता है। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को टच कर दीजिएगा, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।